आज हम बात करेंगे नाभि खिसकने की, नाभि टलने की, और जिसकी नाभि टल गई है, खिसक गई है, उसको ठीक कैसे किया जाए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी नाभि खिसकी है या नहीं। देखिए, अगर आपके पेट में दर्द होता है, मरोड़ उठते हैं और आपको लूज़ मोशन होता है और खाते ही आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो सबसे पहले आपको अपनी नाभि चेक करानी चाहिए कि नाभि अपने स्थान से खिसक तो नहीं गई है। तो यहाँ पे अगर आपकी नाभि खिसक गई है तो उसका उपाय भी बताऊंगी, ठीक कैसे कर सकते हैं और नाभि को चेक कैसे करें अपने आप, वो भी बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगी, जिसमें कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपनी जो नाभि है वो चेक कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं पर मैं यह सिंपल सा तरीका बताने जा रही हूँ और उसका उपाय। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो आप नाभि चेक करते हैं तो दोनों हाथ को कोहनी से बिल्कुल आपने सीधा रखना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर आपने जो मणिबंद, जहाँ से हमारी जो कलाई शुरू होती है, मणिबंद की रेखा, अब देखिए सामने मैं एक चित्र दिखा रही हूँ आपको, 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है, तो ये चारों जो रेखाएं हैं आपकी, ये बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, इधर उधर बिल्कुल भी खिसकी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से देखिए, और जहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 चित्र में, तो ये सारी जो रेखाएँ हैं आपकी बिल्कुल मिली हुई होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, मणिबंध की रेखा भी आपकी मिली हुई होनी चाहिए। अगर ये रेखाएं मिली हुई नहीं होती हैं तो छोटी उंगली जो दोनों हाथ की हैं, वो एक हाथ की उंगली दूसरे से थोड़ी सी बड़ी महसूस होगी। तो अब इस टली हुई नाभि को कैसे ठीक करें, अगर आपकी नाभि टली हुई है तो उसको कैसे ठीक करना है, आपने देखिए आपने लेनी है 20 ग्राम सौंफ और 20 ग्राम ही गुड़, दोनों को समान मात्रा में लेना है। मात्रा इतनी ही लेनी है जितनी मैं बता रही हूँ, 20 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम गुड़, और इसको आपने खाली पेट खाना है। तो जो अपने स्थान से जो नाभि टली हुई है, नाभि खिसकी हुई है, वो आपके सही स्थान पर आ जाएगी। 2-3 दिन लगातार अगर आप खाते हैं ना, तो आपकी जो नाभि है सही स्थान पर आ जाएगी। कभी कभी तो एक बार खाने से ही नाभि ठीक हो जाती है। और देखिए, जिनकी नाभि टलती है और बार बार टलती है, तो उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो एकदम से भारी वजन ना उठाएं, एकदम से जैसे पानी की भरी बाल्टी उठा लेते हैं, क्योंकि एक बार जब नाभि टल जाती है ना, तो बार बार वो टलती है नाभि। अब नाभि को चेक करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, पांचों उंगलियों को नाभि पर रखकर फिर देखा जाता है, खाली पेट देखा जाता है कि उसमें जो जैसे दिल की धड़कन होती है ना, इस तरह से धड़कन महसूस होती है, तो धड़कन किस साइड है, दाईं साइड है, बाईं साइड है, ऊपर है, नीचे, बहुत सारे तरीके होते हैं। धागे से नाप कर भी नाभि देखी जाती है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं नाभि को चेक करने के।